वॉकिंग वॉन्डरर के सभी व्यूअर्स का स्वागत है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत रीजन कुल्लू मनाली के वर्चुअल टूर पर आज इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे। अगर आप अपना नेक्स्ट माउंटेन हॉलीडे प्लान कर रहे हैं तो आप कुल्लू मनाली रीजन का रुख कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको कुल्लू मनाली रीजन में घूमने वाली टॉप 25 जगहों के बारे में बताएंगे। ये सभी जगहें आपको बहुत ही खूबसूरत और यूनिक एक्सपीरियंस दे सकती हैं, और आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के ट्रेवलर हों, ये जगह सभी को पसंद आती है। तो आज इस वीडियो में हम मोस्टली एक्सप्लोर करेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को, जिसमें हमें देखने को मिलेंगी जिब्बी तीर्थन वैली, पार्वती वैली और मनाली वैली। इसके अलावा लाहौल डिस्ट्रिक्ट के कोल्ड डेजर्ट रीजन्स को भी हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर हिट करें। दिल्ली से कुल्लू आने के लिए आपको लगभग 500 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको लगभग 9 से 10 घंटे का समय लगेगा। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली जगह जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उसका नाम है जिब्बी। जिब्बी एक बहुत ही खूबसूरत ऑफबीट लोकेशन है जो कि बैकपैकर्स और सोलो ट्रैवलर्स की ट्रैवल लिस्ट पर टॉप पर रहता है। तो जिब्बी में जिब्बी वाटरफॉल एक मस्ट विजिट जगह है। जिब्बी वाटरफॉल मेन मार्केट से अराउंड 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिब्बी में अगली जगह जो आप विजिट कर सकते हैं वो है खूबसूरत श्रृंगा ऋषि टेम्पल। श्रृंगा ऋषि टेम्पल की जिब्बी से दूरी लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है। श्रृंगा ऋषि टेम्पल एक रिलीजियस पॉइंट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ही खूबसूरत सीरीन लोकेशन पर सिचुएटेड है। श्रृंगा ऋषि टेम्पल से लगभग 45 मिनट्स हाइक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे चैनी कोठी। चैनी कोठी 1500 साल पहले कंस्ट्रक्ट किया गया था और ये पूरे वेस्टर्न हिमालयस का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है जिसे नेचुरल वे में कंस्ट्रक्ट किया गया हो। जिब्बी वैली में जो आप अगली जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं उसका नाम है जलोड़ी पास। जलोड़ी पास समुद्र तल से लगभग 10,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जलोड़ी पास गेटवे है बहुत सारे खूबसूरत ट्रैक्स का, जैसे कि रघुपुर गर्ल ट्रैक, सिरोलसर लेक ट्रैक या फिर लांबरी टॉप ट्रैक। तो जलोड़ी पास से लगभग 2 घंटे के एक ईजी ट्रैक के बाद आप पहुंच जाएंगे सिरोलसर लेक। सिरोलसर लेक बंजार वैली की एक बहुत ही खूबसूरत और अनछुई लेक है। 2 घंटे के इजी ट्रैक करने के बाद जब आप सिरोलसर लेक पहुंचेंगे तो यहां पर आना आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। तो चलिए जिब्बी वैली से अब आपको लिए चलते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की एक और खूबसूरत वैली पार्वती वैली की ओर। पार्वती वैली में भी हमें घूमने और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सी खूबसूरत जगहों के ऑप्शन मिल जाते हैं। पार्वती वैली अपने खूबसूरत ट्रैक्स के लिए जानी जाती है। इसके अलावा यहाँ की टॉप पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं कसोल और मणिकरण। मणिकरण कसोल मेन मार्केट से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। मणिकरण जाना जाता है अपने नेचुरल हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स के लिए। मणिकरण अगर आप आएंगे तो यहाँ पर एक हॉट वाटर डिप आप जरूर ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें राम मंदिर, शिव मंदिर और गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के मौका भी मिल जाता है। पार्वती घाटी में जो अगली लोकेशन आप विजिट कर सकते हैं वो है तोश। तोश की कसोल से दूरी लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। तोश विलेज जाना जाता है अपने हिप्पी कैफेज और खूबसूरत सराउंडिंग्स के लिए। तोश विलेज में आप तोश वाटरफॉल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही तोश विलेज एक खूबसूरत ट्रैक का बेस पॉइंट भी है जिसका नाम है कुटला ट्रैक। तोश विलेज से लगभग 2 घंटे का एक मॉडरेट ट्रैक करने के बाद हम पहुंच जाएंगे कुटला विलेज। कुटला विलेज से हमें पार्वती घाटी के बहुत ही खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। पार्वती घाटी पूरे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की सबसे हरी भरी घाटी है और इस घाटी पर कुदरत की एक अनोखी मेहरबानी है। और जैसे हमने आपको बताया कि पार्वती घाटी में आपको बहुत से खूबसूरत ट्रैक्स करने का मौका मिल जाता है, तो पार्वती घाटी में जो आप अगला ट्रैक कर सकते हैं वो है मोस्ट फेमस खीरगंगा ट्रैक। खीरगंगा ट्रैक लगभग 4 से 5 घंटे का एक ट्रैक है। खीरगंगा टॉप पर आप रात को कैंपिंग और बॉनफायर का मजा भी ले सकते हैं। पूरी दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी वाला गांव पार्वती घाटी में है जिसका नाम है मलाना गांव। तो मलाना गांव अगली जगह है जो आप कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। कसोल से मलाना गांव की दूरी लगभग 19 किलोमीटर है और इस गांव में पहुंचने के लिए आपको लास्ट में लगभग 45 मिनट पैदल भी चलना पड़ेगा। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो हम अगली जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है बहुत ही पवित्र बिजली महादेव टेम्पल।
बिजली महादेव टेम्पल कुल्लू मेन टाउन से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लास्ट के 45 मिनट से एक घंटा आपको पैदल चलकर इस मंदिर पर पहुंचना होगा। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो अगली जगह हम एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है कैसधार। कैसधार पहुंचने के लिए भी हमें एक इजी टू मॉडरेट ट्रैक करना पड़ेगा जिसकी ड्यूरेशन होगी लगभग एक घंटा। कैसधार जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही पीस और बिना किसी कमर्शियल एक्टिविटी वाला रॉ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। कैसधार में हमें ब्रिटिशर टाइम से कंस्ट्रक्टेड एक खूबसूरत रेस्ट हाउस भी देखने को मिलेगा। जब आप कैसधार या बिजली महादेव जैसी किसी भी लोकेशंस को विजिट करेंगे तो आपको इन लोकेशंस को घूमने के साथ साथ हिमालयन टाउन्स और हिमालयन विलेजेस के लोगों के लाइफस्टाइल की एक बहुत अच्छी झलक देखने को मिलेगी। पुराने टाइम में पूरे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल हुआ करती थी नगर, और नगर में सिचुएटेड नगर कासल उस टाइम के राजा का पैलेस हुआ करता था। तो नगर कासल अगली जगह है जो आप कुल्लू मनाली में एक्सप्लोर कर सकते हैं। नगर कासल से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जाना वाटरफॉल्स। जाना वाटरफॉल एक बहुत ही खूबसूरत ऑफ बीट लोकेशन है। जाना वाटरफॉल्स वैसे तो बहुत बड़ा वाटरफॉल नहीं है, लेकिन इसकी सराउंडिंग बहुत ही सीरीन है और पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। जाना वाटरफॉल के कैफेज में आपको कुल्लू की लोकल डेलिकेसीज को खाने का मौका भी मिल जाएगा। जाना वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के बाद आप मनाली के पास सिचुएटेड सजला गांव पर आ सकते हैं। सजला गांव में हमें बहुत ही खूबसूरत सजला वाटरफॉल देखने को मिलेगा। सजला गांव से सजला वाटरफॉल पहुंचने के लिए हमें लगभग आधे घंटे का एक बहुत ही खूबसूरत नेचर हाइक करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश खासकर की कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को देवभूमि नाम से जाना जाता है। जब आप कुल्लू मनाली के गाँव में घूमेंगे तो आप देखेंगे कि हर गाँव के अपने अलग देवी देवता होते हैं और इनके बहुत ही खूबसूरत और भव्य मंदिर हमें देखने को मिलेंगे। मनाली मेन टाउन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ढुंगरी विलेज में हमें माता हडिम्बा का खूबसूरत टेंपल देखने को मिलेगा। ये टेंपल पगोडा स्टाइल में कंस्ट्रक्टेड है और लगभग 1553 में बनाया गया था। हडिम्बा टेंपल से नजदीक ही हमें ओल्ड मनाली देखने को मिलेगा। ओल्ड मनाली जाना जाता है अपनी इवनिंग वाइब के लिए। यहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग कैफेज हैं जहाँ पे आप लाइव परफॉर्मेंस के साथ अपनी इवनिंग एंजॉय कर सकते हैं। जोगनी वाटरफॉल पूरे मनाली रीजन का सबसे बड़ा वाटरफॉल है और ये वाटरफॉल हमें सबसे खूबसूरत व्यूज भी ऑफर करता है। जोगनी वाटरफॉल पहुंचने के लिए हमें वशिष्ठ नाम के विलेज से लगभग 45 मिनट से एक घंटा ट्रैक करना पड़ेगा। तो ये थी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की घूमने वाली कुछ टॉप प्लेसेस। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट जिसे कनेक्ट करता है रोहतांग पास। तो अपने मनाली ट्रिप में आप रोहतांग पास को भी विजिट कर सकते हैं। ये सबसे खूबसूरत माउंटेन पास है जो कि लोकेटेड है लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर। रोहतांग पास में साल के लगभग 11 महीने हमें बर्फ देखने को मिलती है। सोलांग वैली के लश ग्रीन लॉन्स को पूरे रीजन की एडवेंचर वैली नाम से जाना जाता है। सोलांग वैली से एक शॉर्ट हाइक या फिर क्वाड बाइक पर राइड करके आप अंजनी महादेव जैसी खूबसूरत लोकेशन को विजिट कर सकते हैं। मनाली से अटल टनल को क्रॉस करते हुए लगभग 2 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुंच जाते हैं लाहौल डिस्ट्रिक्ट। लाहौल डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने के बाद जो सबसे पहला गांव हम देखेंगे वो है सिस्सू विलेज। सिस्सू विलेज के बाद हम केलोंग को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। केलोंग पूरे लाहौल डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। लाहौल में हमें घूमने के लिए बहुत से पॉइंट्स हैं जैसे कि कोकसर, तांदी, सिस्सू, केलोंग, जिस्पा या फिर उदयपुर। उदयपुर में हमें बहुत ही प्राचीन महिषासुर मर्दिनी टेंपल देखने को मिलेगा जिसे मृकुला माता टेंपल नाम से भी जाना जाता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो टॉप 25 प्लेसेस टू विजिट इन कुल्लू मनाली रीजन का भी एंड होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।